असलम दोस्तों, मैं बंगाली आमिर। नया चांद दिख गई है, उसके हिसाब से मैंने चंदी डेज का वीडियो डाल ली। ये महीना रबी सानी का महीना है, जिसको आप 11वीं का महीना के नाम से भी जानती हैं। तो इसके हिसाब से मैं डेट्स में आपको बता रही है नौचंदी का, और इसी महीने के अंदर आगे चांद की ग्रहण भी है और दिवाली भी इसी महीने के अंदर है, तो वो डेट्स भी मैं आपको बता देंगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिन है वो है फ्राइडे, जुम्मा का दिन। डेट इंग्लिश होगा 20 और इस्लामिक डेट होगा 4। ये नौचंदी जुम्मा का दिन है। इसके बाद सैटरडे हफ्ता का दिन, इंग्लिश डेट होगा 21 और चांद की डेट होगी वो होगी 5। ये नौचंदी हफ्ता का दिन है। आप किसी नौचंदी हफ्ता का रात अमल करनी है तो जुम्मा का दिन गुजार कर जो रात आएगी उस रात को अमल की जाएगी। इसके बाद संडे 22, इंग्लिश डेट है 22 अक्टूबर, ठीक है, और इस्लामिक डेट होगा 6। ये नौचंदी इतवार के दिन है। इसके बाद मंडे, इंग्लिश डेट होगा 23, इस्लामिक डेट होगा 7। ये नौचंदी पीर का दिन है। इसके बाद ट्यूसडे, इंग्लिश डेट होगा 24, इस्लामिक डेट होगा 8, और ये नौचंदी मंगल का दिन है। अब किसी नौचंदी मंगल की रात अमल करनी है तो पीर का दिन गुजार के जो रात आएगी वो नौचंदी मंगल का रात होगी। इसके बाद बुध का दिन, इंग्लिश डेट होगा 25, इस्लामिक डेट होगा 9। ये नौचंदी बुध के दिन है। इसके बाद जुमेरात, थर्सडे भी कहती है, इंग्लिश डेट होगा 26, इस्लामिक डेट होगा 10। ये नौचंदी जुमेरात के दिन, आप किसी नौचंदी जुमेरात की रात अमल करनी है तो बुध के दिन गुजार के जो रात आएगी वो जुमेरात की रात होगी। इसके बाद है पूर्णिमा, डेट होगा 30 अक्टूबर 2023, दिन होगा मंडे, पीर के दिन होगी, इस्लामिक डेट होगा 14। अब किसी नौचंदी माजद अब किसी ने पूर्णिमा की रात को अमल करनी है, ठीक है, यानी कि 14वीं का चांद जिसे कहती है, तो इतवार जो 29 अक्टूबर को जो संडे इतवार के दिन आएगी वो दिन गुजार करके जो रात आएगी उस रात को अमल की जाएगी। तो 14वीं का चांद लगी भी होगी, पूर्णिमा का रात होगी, उस रात को अमल कर सकती है। इसके बाद अमावस्या, डेट होगा 30 नवंबर 2023, दिन होगा मंडे का, इस्लामिक डेट यानी कि चांद की डेट होगी 28, ठीक है। तो अब किसी ने अगर अमावस का रात को अमल करनी है, अमावस का रात, तो 12 नवंबर को संडे होगी, तो 12 नवंबर का दिन गुजार करके जो रात आएगी उस रात को अमल की जाएगी। अमावस्या लगी भी होगी, चांद पूरा छुप चुकी होगी, अंधेरा रात होगी, तो ये अमल कर सकते हैं। इसके बाद चांद की ग्रहण है सैटरडे 28 अक्टूबर 2023, इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगी, चांद ग्रहण लगेगी, और 12 नवंबर 2023 ये संडे की दिन होगी और दिवाली है। तो जैसा कि मैं पीछे अमल डाली थी कि दिवाली की रात जब पूजा की जाती है उस रात को अमल की जाती है, तो इस हिसाब से आप अमल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम।